तो उसी समय बापूजी ने जब खड़का सुना तो बापूजी उसी समय आ गए जब देखा कि साईं जी ने एक साधु की प्याली को ठोकर लगा दी है आज हम आपको लाडी शाह के हिस्ट्री से बताते हैं जब साईं जी ने अपना जोग सिर का जटां सिर की मुंडन करवाया तो उससे पहले ऐसे हुआ जब साईं जी बापू जी के पास रहने लगे अपना घर बार सब दुकान छोड़ करके साईं जी बापू जी के पास रहने लगे तो इधर मेरे गुरु मस्त बाबा तारे शाह जी रसूलपुर कला के वो लोहे की दुकान जो सालो नाम के लाला जी थे उनकी दुकान थी उनकी दुकान के ऊपर वो काम करते थे तो उन्होंने साथ में जिगराते की पार्टी माता का जागरण शुरू कर दिया तो खुद एक बाबा बनकर ऐसे लोगों को पूछे निकालने लगे बातें बताने लगे तो ऐसे ही समय चलता रहा इधर बापूजी के रोजे पर उर्स मेला जो आज 21 तारीख है कल 22 तारीख को दिवाली के बाद ऐतवार जो आता है बाईस तरीक का मेला था कल भी बापू जी के दरबार पर बाईस तरीक को मेला है तो उस मेले में रसूल पर कला के मास्टर जोगिंदर शाह जी जो प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर की ड्यूटी कर रहे हैं वो उधर बाबा अमी चंद जी रुड़के वाले मस्त बाबा चंते शाह जी उन्होंने दरबार के जो सेवादार गद्दी नशीन बाबा जी बाबा मस्त अमी चंद जी उनके जेठे उनके श्रेष्ठ चेले थे मास्टर जोगिंदर शाह जी वो बापू जी के दरबार पे मेले पर आया करते थे तो एक दिन हमारे मुर्शद मस्त बाबा तारे शाह जो है उनको बोलने लगे कि हम आपको एक उर्स एक मेला दिखाने के लिए लेकर के जाएंगे आप हमारे साथ चलिए तो जब मास्टर जोगिंदर शाह जी मस्त बाबा तारे शाह को लेकर के आए तो फकीर लोग आज भी उसी तूने के आसपास इर्द गिर्द बैठते हैं तो हमारे मुर्शद भी वहां बैठे हुए हैं फकीरों की लाइन में तो फकीर लोग जब चाय पीने लगे तो सभी को प्याले के रूप में कौली बाटी चाय की दी गई उधर बापू जी बापू ब्रह्म जोगी जो बेरी का पेड़ आज भी है उसके नीचे बैठे हुए हैं इधर प्रोग्राम चल रहा है गाने बजाने के कलाकार लगे हुए हैं। तो साईं जी ऐसे चक्कर लगा रहे हैं संगत के बीच में जब हमारे मुर्शद ने ऐसे अपने मुंह के नजदीक उस चाय के प्याले को किया तो साईं जी ने उस प्याले को ऐसे पैर से उछाल दिया और ऐसे बुरा भला बोलने लगे हमारे मुर्शद को कि अब चेले भी फकीर लोगों की संगत में आकर के प्याले में चाय पीने लगे हैं तो गुस्से के जहरी हमारे गुरु भी बहुत थे उन्होंने भी बड़ा गुस्सा किया तो उसी समय बापूजी ने जब खड़का सुना तो बापूजी उसी समय आ गए जब देखा कि साईं जी ने एक साधु की प्याली को ठोकर लगा दी है तो बापूजी ने साई जी को बहुत डांटा तो फिर साई जी को कहने लगे बापूजी के ऐ साई ऐ लाडी अब तू अपने हाथों से ले आकर के इसको प्याला दे तो साई जी ने चाय का प्याला ले आकर के मेरे मुर्शिद को दिया और ऐसे जफ्फी में लेकर के सॉरी बोला तो मेले से विद्या होकर के हमारे मुर्शद अपने घर पे नहीं गए जहां नजदीक ही नकोदर के नंगल जीवन एक गांव है उस गांव में हमारे मुर्शद के रिश्तेदार रिश्ते में मौसी लगती है उनके घर में चले गए वहां जाकर के औरतों का पाथी इकट्ठी करके उसको गहूरा बोलते हैं किसी से नहीं पूछा उसी गहूरे को मच बना दिया तूना बना दिया और सभी कपड़े उतार करके एक बोरी बिछा करके वहां बैठ गए तो उसी जगह और पाथियां लिया लिया करके ऐसे धूना चलाने लगे तो इधर हमारे गौर भाई जो श्रेष्ठ गौर भाई है उसी गांव के नंगल जीवन के बाबा ज्ञान शाह जी अभी जिंदे है विराजमान है अभी ये बातें हम जो बता रहे हैं कोई ऐसे सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रहे ये उसी समय का वाक्य है जैस में हम भी साई जी के अंग संग रहते थे उनसे भेंट करते थे मेल होता था क्योंकि हमारे गुरु हमारे मुर्शद और साई जी बहुत ही समा इकट्ठे रहे हैं जे आज दो जो दरबार बना है मुरादशाह का वहां दरबार मुरादशाह का दरबार नहीं था ये भी हमारे गुरु भाई बाबा ज्ञान शाह जी और हमारे मुर्शद ने ही जहां शुरू किया था पीछे हमने साईं लाडी शाह के बारे में पढ़ा था तो कुछ लोग बोल रहे थे गलत बोल रहा है जो साईं के बारे में जिन्होंने कुछ देखा है या जिन्हों को पता है वो जानते हैं जे गलत है या सही है तो वो हमारे गौर भाई हमारे गुरु जी के पास जाने लगे बैठने लगे इंसान तभी बाबा के पास जाता है जब जा वो कष्ट में होता है तो हमारे गुरु भाई बाबा ज्ञान शाह के घर में जगह जगह पर बर्मी बन बर जाती थी पैर रखने को भी था नहीं मिलता था कभी कभी वो बाबा जी के पास अपनी फरियाद ले करके गए थे परंतु बाबा जी तो किसी से कोई बात ही नहीं कर रहे थे ये नूरा सिस्टर जो गा रही है इनकी नानी जिसका नाम नूरा था छाकोट की वो थी वो अपना गा, गाना रिकॉर्ड करवा करके आई है रेडियो स्टेशन से उस समय जे गाड़ी बसें ज्यादा नहीं थी टांगे पर थे वो अपना गाना रिकॉर्ड करवा के आई है कुली नी फकीर दी बिचो अल्लाहदा आवाज आवे तो उन्होंने सोचा कि साईं जी को और बापू जी को सलाम करके चलते हैं जब बापू जी के डेरे पर आकर के नूरा ने सलाम किया तो साई जी नूरा को कहने लगे कि नूरा चलिए आज हम आपको एक रब के दर्शन करवाते हैं एक बाबा के दर्शन करवाते हैं तो साई जी मेरे गुरु को मिलने के लिए गए नंगल जीवन में जाकर के वहां देव बालो की वाले वो भी रेडियो आर्टिस्ट है वो भी वहां पे थे नंगल जीवन में उसी वक्त ये वाक्य उन्हीं का ही बताया हुआ है मेरे को कि साईं जी तो इधर अपने पास पैसे लेकर के गए और कमंडर की डब्बी का बड्डा बंडल लेकर के गए यार को मिलने के लिए जा रहे हैं नूरा का प्रोग्राम शुरू कर दिया गाने का तो साई जी जब पैसे देने लगे हमारे मुर्शद ने वहां धूने की राख निकाल करके उसके पैसे बना करके दिए आज भी देव जीऊदा है बालों की वाला जी उसी के सामने वाक्य हुआ था फिर साई जी हमारे मुर्शद को लेकर के बापू जी के पास आए तो हमारे मुर्शद और साई जी दोनों इकट्ठे रहने लगे बापू जी के दरबार पर जो तूना है आज भी वो हमारे गुरु जी और साई लाडी शाह का ही है फिर एक दिन समय आया जो कटवाने की बात जो हमने बोली साइंज जी के भी जोग था पहले तो बा, बापू जी से आज्ञा ली कि बापू जी हम जोग कटवाना चाहते हैं कुंभ का मेला आया है हरिद्वार में जा कर के हम नाले तो जोग कटवा करके आएंगे साथ में ज्ञान को बाबे तारे का चेला भी बना कर लाएंगे तो इधर नकोदर से जाने लगे साईं जी हमारे मुर्शद को बोलते हैं कि एक फीट का तरसूल बनवा कर दिया साई ने हमारे मुर्शद को और लगोटा पहनाया नाथ बना करके के ले करके गए कि आप नाथ बाबा हमारे साथ बनकर चल चलिए तो ये हमारे ज्ञान गौर भाई जो है नंगरा वाले वो बता रहे कि पटियाला हम रुके पटियाला में जब रुके तो साईं जी और हमारे मुर्शद जो है अफीम का नशा करते थे तो साईं जी ज्ञान को बोलने लगे जो सेवादार होता है फकीरों का वो स्टोर कीपर होता है उसी के पास ही होता है स्टॉक तो साईं जी कहने लगे होटल पर बैठे हुए कि ज्ञान अब नशा करवाओ तो बाबा ज्ञान जी बोलने लगे कि बाबा जी जहां तो पुलिस का नाका है देखिए कितने कितने बड़े थानेदार खड़े हैं तो साईं जी उच्ची आवाज से कहने लगे कि ऐसा ने पहले एक मरवा लिया अब दूसरा भी मरवाएगा साधु को कुछ बोलेगा तो नाम तो मेरे को नहीं याद उस थानेदार का परंतु जब उसके कानों में आवाज पड़ी तो वो हाथ जोड़े जल्दी से आकर के साईं जी के चरण पकड़ लिए बोलने लगा कि प्रभु क्षमा कर दो फिर रास्ते में उसने भी साईं जी को और मेरे मुर्शद को दो रातें अपने घर रखा और सेवा की फिर जाकर के साईं जी ने हरिद्वार में हर की पौड़ी में अपने जोग को बधाया और वो ही जोग बख्शिश किया मेरे गौर भाई को बाबे ज्ञान शाह को और वहां बाबा ज्ञान शाह को बाबा तारा जी मस्त बाबा तारे शाह जी का तालब बनाया शिक्षा बनाया वहां हरिद्वार में जे हम कोई मनत घाट कहानियां नहीं, नहीं सुना रहे बाबा ज्ञान शाह जी अभी भी जिंदा है आप जाकर के उनसे भी बात कर सकते हैं नंगल जीवन में है